साथ। जमीन अधिग्रहण मामले में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ईडी की तरफ से जारी दूसरे समन के बाद सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ईडी को उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ईडी के समन को चुनौती देती याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, ईडी की पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। जब ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है तो गिरफ्तारी का डर बना रहता है। ईडी गतिविधि को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताते हुए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। रिट पिटीशन में PMLA 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि PMLA का यह प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मुख्यमंत्री ने याचिका में कहा कि IPC के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन PMLA की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।